वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, तुहानूं सब नूं पता है कि अज 5 जून नूं असीं वर्ल्ड एनवायरमेंट डे मना रहे हां और इहदे विच असीं 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं सारियां जमातां दे वक्रे वक्रे चैप्टर्स नूं स्टडी भी करना है, नाल दे नाल असीं प्लांट्स भी उगाने हैं और वाटरिंग भी देनी, उहनां नूं पानी भी देना है। पर सब तो पहले बेटा जी मैं तुहाडे नाल डिस्कस करना चाहनी हां कि बेसिकली वट इज एनवायरमेंट। The natural world in which we can say we live is basically an environment, ठीक है? और इस दे दो घटक हुंदे ने, two components, that is biotic component and abiotic component. Biotic component, जे जैविक दी गल करा तो मैं living things which live in the environment, like असी, सारे जानवर, पेड़ पौधे। पर जे मैं एबायोटिक कंपोनेंट्स दी गल करा यानी अजैविक घटकां दी गल करा ते ओ हन हवा, पानी, ठीक है, और लैंड, सोयल, ए सारे की है नॉन लिविंग है, जेड़े सा नहीं लै सकदे। दसवीं क्लास दे जेड़े चैप्टर नू असी स्टडी करना है ओ है अवर एनवायरमेंट यानी साडा वातावरण। चलो 10th क्लास फिर आप शुरू कर दें साडा वातावरण यानी अवर इनवायरमेंट। बेटा जी थानू पता है कि स्पेशली 5th जून ली जिहड़ा ये अवर इनवायरमेंट चैप्टर है उहदी असी थानू नॉलेज देनी है और बहुत ही थोड़ा इंटरेस्टिंग जिहड़ा चैप्टर है। तो चलो जी आओ आप हुण सब तो पहले जानिए कि वातावरण बेसिकली हुंदा की है, वातावरण तो भाव की है, बेसिकली असी वातावरण किस नूं कहिंदे हाँ, मतलब वातावरण तो भाव है मनुख दे चुगिरदे तो, यानी कि वेयर डू वी लिव, है ना, मतलब मनुख एक ह्यूमन भी कित्थे रहिंदा है। बेसिकली बेटा वातावरण की है, वातावरण द प्लेस जिहदे आले दुआले असी की कहने आ मतलब रहने आ, ते ठीक है जी। हुण वातावरण ओह भौतिक अते जैविक संसार है जिस विच असी रहिंदे हाँ। बेसिकली इहदे दो कंपोनेंट्स हुंदे ने जिहनूं आपां कहने आ बायोटिक ते एबायोटिक। जिहड़ा बायोटिक है दैट इज़ बेसिकली लिविंग कंपोनेंट, ठीक है। बायोटिक जिहड़ा है लिविंग कंपोनेंट है, जिद्दां कि जंतु, पौधे, मनुख, ते अजैविक जिहड़े है दैट इज़ नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स च आपां की कहने आ हवा, पानी अते थल। बेटा इस चैप्टर च असीं तुहानूं जैव विघटनशील पदार्थ अते अविघटनशील पदार्थां तों वी जाणू कराउणा। बेसिकली जेड़े ओ पदार्थ जेड़े अपशिष्ट पदार्थ हैं जिन्हां नूं हानि रहित पदार्थां विच तोड़िया जा सकता है, लाइक गोबर, घा, एक्सेट्रा, पर जिन्हां नूं असीं नहीं तोड़ सकते जिहड़ा अजकल बहुत ही ज़्यादा। बेसिकली जैव विघटनशील इज़ बायोडिग्रेडेबल, ठीक है, की है जी, बायोडिग्रेडेबल। ते जैव अविघटनशील की है नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। और ये बेसिकली जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है वो प्लास्टिक है जिदी अजकल बहुत ही ज़्यादा तुम्हें पता है कि आप कहने कि प्लास्टिक्स ना यूज़ करो, प्रॉपर वीडियोज़ बन रही है। तुम कल दे की कर सकते हो, तुम जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सबसटांसिज है लाइक प्लास्टिक है इन्हों के वीडियोज़ बना सकते हो कि इन्हों कि नहीं, इन्हों की ऑप्शन हो सकती हैं, इन्हों की जगह आप की वरतीए, ठीक है ना। कल इनवायरमेंट डे बेसिकली तुम की होमवर्क है तुहाडा कि यू हैव टू मेक द वीडियोज़ ऑन दैट थिंग्स कि जिहड़ियां प्लास्टिक नूं लैके आपां यूजफुल बना सकते हैं, जिदा लोकी प्लास्टिक दी बॉटल्स च अजकल बहुत अच्छा वो गार्डन बनाउण लग पे है, ठीक है ना। तो चलो जी अगे गल करते हैं आहारी पद्धर बारे। इस चैप्टर च असीं तुहानूं जाणू कराना है बेसिकली आहारी पद्धर की है। सब तो पहले हुंदा उत्पादक, प्रोड्यूसर, ठीक है, फिर साडा मतलब पहला खपतकार है, दूजा खपतकार है, तो तीजा खपतकार है, ठीक है। मतलब बेसिकली पहले उत्पादक लाइक प्लांट्स, है ना, जो चीज़ नू प्रोड्यूस करते हैं। दूजा हरी पत्तर शाखाकारी जिदा कि हिरन कह सकते हैं आपां, जां बकरी कह सकते हैं, जो घा खाते हैं, तो जो बकरी नू खाते हैं वह मासाहारी हो गए, तो जो मासाहारी नू भी अगो खा लेंदे ने वो सिखर मासाहारी हो गए, ठीक है। लाइक घा टिड्डा खाता है, टिड्डे नू डड्डू खाता है, डड्डू नू सप खा लेंदा है, ठीक है। इस चैप्टर च ये भी आपां पढ़ना है, नाल दे नाल एक होर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपां पढ़नी है भोजन लड़ी ते भोजन जाल। बेटा भोजन लड़ी की है, बेसिकली एक परस्पतिक प्रबंध विच भोजन अते ऊर्जा दे प्रवाह नू प्रदर्शित करती है। और जे मैं जो भोजन जाल दी गल करां
ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਹਾਰ ਪੱਧਰ ਭੋਜਨ ਲੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਡੇਜ਼ 'ਚ ਭੋਜਨ ਲੜੀ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ ਬਣਾ ਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਲੜੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੌਦੇ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਹਿਰਨ ਖਾਂਦਾ, ਹਿਰਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਖਾ ਲੈਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੌਦੇ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਟਿੱਡਾ ਖਾਂਦਾ, ਟਿੱਡੇ ਨੂੰ ਡੱਡੂ, ਡੱਡੂ ਨੂੰ ਸੱਪ, ਸੱਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਈਗਲ ਖਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ ਭੋਜਨ ਲੜੀ। ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਭੋਜਨ ਜਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਾਲ ਬਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਲਿੰਕਅਪ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ ਬੇਟਾ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮਸ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼, ਜਿਹਦੀ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੇਅਰਸ ਨੇ, ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਟ੍ਰੋਪੋਸਫੇਅਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਓਜ਼ੋਨ ਪਰਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਓਜ਼ੋਨ ਪਰਤ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ 'ਤੇ, ਕਿ ਓਜ਼ੋਨ ਪਰਤ ਦੀ ਕੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਕੀ ਇਹਦੀ ਯੂਜ਼ਫੁਲਨੈਸ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਓਜ਼ੋਨ ਪਰਤ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ CFCs ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਓ ਵੀ ਸੇਵ ਦਾ ਓਜ਼ੋਨ ਲੇਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟ੍ਰੈਟੋਸਫੇਅਰ, ਟ੍ਰੋਪੋਸਫੇਅਰ, ਜਿਹੜੇ ਮੀਜ਼ੋਸਫੇਅਰ ਅਤੇ ਥਰਮੋਸਫੇਅਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਡਾ ਕੀ ਵਰਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਵਰਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਡੇ 'ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਗਾਰਡਨਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਧੰਨਵਾਦ।